दो दो चार और दो छह, तो सल्फर के बाह्यतम कक्ष में छह इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब एक इलेक्ट्रॉन को आगे और बढ़ाएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे छह कक्षक हो गए। अब फ्लोरीन की जो है ना वो छह वो यहाँ पे आपका स्थान लेंगे। अब फ्लोरीन यहाँ पे बताएंगे आप दे टू पी जेड वन और फ्लोरीन, तो ये बन जाएगा एस है सिक्स। तो इसमें देखिए एस का एक, पी के तीन और डी के हो गए दो, ये दो कक्षक, तो कुल मिला के वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ये छह हो गए। तो संक्रमण हो गया एस पी थ्री डी टू, ठीक है। तो इस तरह से ये इन मॉलिक्यूल में जो है वो संक्रमण एस पी थ्री। अब इसमें देखिए जब इसका आप वो बनाएंगे आकृति बनाएंगे तो इसकी आकृति के अंदर क्या होगा कि एक मेन तो बनेगा यहाँ पर स्क्वायर, ये सल्फर का मॉलिक्यूल एटम और सल्फर में ये चार पहिए हो गए और इसके ऊपर और नीचे ये फ्लोरीन के दो शीर्ष, ठीक है। और मॉलिक्यूल कैसा हो गया ऑक्टागोनल, अर्थात ये अणु की ज्यामिति ऑक्टागोनल शेप बन जाएगी। तो छह संकरित कक्षकों से बनने वाली आकृति ऑक्टागोनल बन गई। तो ये संकरण के बारे में आपको बताया कि संकरण किस प्रकार से होते हैं। अब संकरण को एक एक उदाहरण से आपसे ये सारा आपको समझा दिया गया है और अब आप संकरण का पता कैसे लगाएं उसके बारे में देखिए कि किसी अणु को पढ़ करके उसमें संकरित स्थिति में उसमें किस प्रकार से पता लगाएं कि संकरण कैसा होगा। हाइब्रिडाइजेशन उसके लिए फॉर्मूला है यहाँ निर्धारित, ये हमारा संकरण हाइब्रिडाइजेशन का सिंबल एच। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले, तो देखिए यहाँ पे हाफ ये बी बी यहाँ पे संयोजकता कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस एक्स, और ये एक्स क्या है, एक्स जो है यहाँ पर केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए एक संयोजी परमाणु की संख्या, मोनोवेलेंट कितने परमाणु जुड़े हुए हैं ये एक्स कहलाता है, ठीक है। सी और प्लस ए ये लोन पेयर की संख्या है हमारी। तो सी जो है वो धनायन पर आवेश, ये धनायन के ऊपर आवेश कितना है चार्ज, सी का मूल्य हमें चार्ज से है, और ए जो है वो ऋण आवेश पर ऊपर से आवेश का मान है। ये दोनों चार्ज हो गए, ये वैलेंस शेल की स्थिति हो गई, और वैलेंस शेल के अंदर कितने परमाणु उससे वैलेंस शेल से जुड़े उसकी संख्या हो गई। ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप एस ओ टू में निकालिए कि एस ओ टू में संकरण किस प्रकार का पाया जाएगा, तो देखिए एस ओ टू का संकरण निकालने के लिए ये तुम्हारा हाफ हो गया। इसके बाद अंदर ये देखते हैं तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक्स है उसमें, ठीक है, और सॉरी छह इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें जो आपके एकल संयोजी परमाणु है वो शून्य है और ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, ठीक है। तो अब हम यहाँ आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि ये मान कितना था, तीन आ गया। तो तीन आने का मतलब हुआ कि संकरण कैसा हो गया एसपी टू। तो एसओ टू के अंदर एसपी टू संकरण तीन से मतलब एक एस का दो पी के, तो ये संकरण हो गया एसपी टू, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कार्बोनेट में निकालना चाहें, देखिए यहाँ पे सीओ थ्री माइनस टू, तो कार्बोनेट में देखते हैं स्थिति, यहाँ पे ये हाफ और इस हाफ के साथ में जो है संख्या आप देखेंगे कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या चार, ठीक है, और मोनोवेलेंट आपके जीरो हो गए, ये जीरो और टू जो है वो आपके ऋण आवेश की संख्या हो गई। तो संकरण इसका कितना हो गया, ये भी एस पी टू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस दो है ध्यान रखना, तो छह छह बटा दो इसका मतलब संख्या हो गई तीन, और इस तरह से तीन कक्षक इसके अंदर होंगे। तो ये संकरण निकालने का एक तरीका है, फॉर्मूला है कि इसके द्वारा हम संकरण को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी यूनिट का जो अंतिम टॉपिक है
आपके कोई कोर्स में मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है, उनकी ज्यामिति आपके कोर्स में नहीं है, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो पूरी तरह से आपके कोर्स में अभी नहीं रखी गई है। केवल मात्र सीधे हम आ जाते हैं हाइड्रोजन बंध, एच बंध जो है वो क्या है, ये कैसे बनते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रासायनिक बंधों में जब हम विचार करें तो आयनिक और कोवेलेंट ये तो होते ही है, एक आयनिक बॉन्ड होगा और दूसरा आपने कोवेलेंट भी पढ़ा है, ठीक है, ये वन टू, और कोवेलेंट में एक कोऑर्डिनेशन भी पढ़ लिया आपने, है ना ये। अब हमें तीसरे बंध की बात कर रहे हैं यहां पर, ये एच बॉन्ड कहलाते हैं, लेकिन इस एच बॉन्ड किसमें होंगे, तो यहां आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल उन अणुओं में होंगे जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु उस अणु में होना आवश्यक है, नंबर एक। नंबर दो, कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो किन्हीं दो विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य में स्थित हो अणु अणु के आकर्षण के लिए, ठीक है। तो ये एच बॉन्ड को डैश डैश लाइन से आप डिनोट करेंगे, ठीक है, इसको डैश डैश लाइन से, और ठोस अवस्था में बर्फ की जो एच बंध और द्रव अवस्था में एच टू में दुर्बल हो जाता है, तो ये एच बंध की स्थिति को बताने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनके टाइप्स कौन कौन से। तो सबसे पहले देखिए ये इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ठीक है, तो दो समान और या असमान अणुओं के मध्य ये बंध बनता है, समान और असमान दोनों। जैसे देखिए उदाहरण कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिर ये हाइड्रोजन, अब ये एच टू का मॉलिक्यूल हो गया, दूसरे एच टू के मॉलिक्यूल में फिर आप बताएंगे तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये स्थिति बनती। तो ये जो अणु की स्थिति में है कि ये एच टू का एक अणु, ये दूसरा अणु, तो एक अणु की ऑक्सीजन दूसरे अणु की ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन स्थित हो जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो है कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड H2O में, और ये अलग अलग भी हो सकता है, जैसे देखिए अलग अलग वाली स्थिति में एथिल एल्कोहल ओवर H और फिर ये बंद बना दीजिए इसका आपका, तो ये भिन्न हो गए C2H5OH और H2O। तो दो समान अथवा असमान अणुओं के मध्य बनने वाला रासायनिक आवरण हाइड्रोजन बंध कहलाता है, और इसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा देखिए, उसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, ये तो हो गया इंटरमॉलिक्यूलर, इसमें बस थोड़ा सा यहां चेंज करना पड़ेगा TRA, ये A है यहां पर, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसमें स्थिति ये है कि ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर है ये अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा, और ये केवल उन्हीं अणुओं के अंदर होगा, किसी एक ही अणु के अंदर दो अणुओं की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए ये, अच्छा ये अधिकांश है एरोमेटिक कंपाउंड में पाया जाता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में ये N डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, और ये इसका ऑक्सीजन और ये इसका हाइड्रोजन OH, इसको कहते हैं नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोफिनॉल, टू नाइट्रोफिनॉल। अब इसमें स्थिति ये बन गई कि इस NO2 की एक ऑक्सीजन और इस OH ग्रुप की हाइड्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसमें दो अणु की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वहां आपने इंटरमॉलिक्यूलर में दो H2 के अणुओं की जरूरत पड़ रही थी, यहां पे नहीं, तो यहाँ पे केवल एक H2 होगा और सॉरी ये केवल एक ही होगा नाइट्रोफिनॉल का, तो एक ही अणु के मध्य स्थिति ये बन जाती है। तो ये क्या है कि पिंजर टाइप, एक पिंजरा टाइप केज टाइप हो गया, तो उसको केज हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से सैलिसिलिक एसिड का भी एग्जांपल इसमें बता सकते हैं, ये सैलिसिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ और ये इसका एच, ठीक है,
और ये बेंजीन के वाले बना दीजिए, और इसमें जो है ना वो सी डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ सिंगल बॉन्ड एच। अब ये बन गया है नंबर, ये सारे से सी ओ ओ एच ये समूह हो गया, ये सी एच ओ समूह है। तो सी एच ओ समूह का ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक समूह का हाइड्रोजन, ये आपस में मिल करके इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का, अगर उसको यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम दूसरा जो अध्याय है वो नया शुरू करेंगे, और संभवतः वो थर्मोडायनेमिक्स वाला यूनिट आप पहले थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियो में आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया जाएगा।